लोकसभा चुनावों की मतगणना चल रही है और शुरुआती रुझानों में जहां एनडीए को 277 सीटों पर आगे बताया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी 200 का आंकड़ा पार करता नजर आ रहा है। अभी शुरुआती रुझान जो आए हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन 205 सीटों पर आगे चल रहा है, तो 277 एनडीए, 205 इंडिया गठबंधन और 47 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ये मतदान 1 जून को ख़त्म हुआ था, 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। 543 लोकसभा सीटें हैं और जिसमें से एक सीट जो सूरत की सीट थी वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा चुकी है, क्योंकि वहाँ के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हैं और यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर्स लगातार आते जा रहे हैं, लगातार एक बड़ी भीड़ यहाँ जुटती दिख रही है। मीडिया कर्मियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहा है, पार्टी ने स्पोक्सपर्सन्स को डिजिग्नेट किया है। ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ पे पार्टी ने कियोस्क सेटअप किए हैं, जहाँ पे विभिन्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एक कियोस्क दिया गया है और जिसमें पार्टी ने अपने स्पोक्सपर्सन्स को डिजिग्नेट किया है हर मीडिया हाउस से बात करने के लिए, और वहाँ अंदर ये मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर माहौल एंटिसिपेशन का है, अभी कोई सेलिब्रेशंस यहाँ पर शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। एक जायंट स्क्रीन लगाई गई है जिस पे बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान और उनकी जो लाइव फुटेज आ रही है उसे चलाया जा रहा है। अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में जैसे मैंने कहा कि बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है वो आगे दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। आने वाले कुछ समय में स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी।